आपको याद है 90s में ना कोई भी ओकेजन ग्रीटिंग कार्ड्स के बिना ना अधूरा होता था, फिर चाहे वो बर्थडे हो, यू नो दिवाली पार्टी हो, या फिर आपका न्यू ईयर्स हो, क्रिसमस हो, हर चीज़ के लिए ग्रीटिंग कार्ड्स होते थे, फिर चाहे वो हैंडमेड हो या फिर आप किसी शॉप में जाकर उनको खरीदें। तो आज ना हम 90s के ग्रीटिंग कार्ड्स को ही याद करने वाले हैं। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर यू नो इफ़ यू वांट टू रीलिव दैट 90s नॉस्टैल्जिया एंड यू वांट टू रीलिव दोज 90s मेमोरीज अगेन, देन प्लीज़ मेक श्योर यू लिसन टू माय शो 90s की कैसेट विद मंजुला, जो गाना म्यूजिक ऐप पर मेरा शो आता है। और यहाँ पर आप 90s की यादों को जी सकते हैं, 90s के गाने सुन सकते हैं, और इस शो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो 90s के रियल लाइफ ग्रीटिंग कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आपको बता दूँ कि 90s में आप चाहे हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स बनाओ या फिर किसी शॉप में जाकर खरीदो, लेकिन ख़रीदना बड़ा ज़रूरी होता था, मतलब वो कार्ड देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता था। एंड जैसे अगर किसी का बर्थडे है तो आप एक गिफ्ट शॉप में जा रहे हैं, वहाँ पर आर्चीज़ एंड हॉलमार्क ज़्यादातर सबसे ज़्यादा पॉपुलर शॉप्स थी, आप वहाँ पर जाओ, आप अपने लिए कार्ड सेलेक्ट करो जो आप किसी को देना चाहते हैं, उसकी विशेज़ पढ़ो, एंड दैट वेराइटी दैट वी यूज़ टू हैव इन दोज ग्रीटिंग कार्ड्स। म्यूजिकल कार्ड्स होते थे, यू नो एक के अंदर दूसरा कार्ड, दोज कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस, कॉम्प्लिकेटेड से कुछ डिज़ाइंस भी होते थे, लेकिन बड़े ब्यूटीफुल, एंड देन द साइज ऑफ द कार्ड छोटे छोटे भी आते थे, उससे बड़े आते थे, एंड देन दोज एक्स्ट्रा लार्ज यू नो ग्रीटिंग कार्ड्स, और उनको देना भी एक बहुत ही इमोशनल इंसिडेंट होता था, मतलब एक बहुत इमोशनल मोमेंट होता था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी कुछ भी सेलेक्ट करके दे दिया, आप पर्सनली सेलेक्ट करते थे वो कार्ड, पर्सनली उसकी विशेज पढ़ते थे, और उसके बाद हर ओकेजन के लिए वो ग्रीटिंग कार्ड दिए जाते थे। फिर सिर्फ इतना नहीं होता था कि आपने किसी को कार्ड दे दिया, उसको उसके बाद बहुत उस कार्ड को आपने दोबारा खोल के नहीं देखा, नहीं, अगर आप 90s के किसी भी मिडिल क्लास घर में जाते हैं ना उस वक्त, तो जो दीवारें होती है ना, उस पर उन ग्रीटिंग कार्ड्स को टांगा जाता था अलग अलग डिज़ाइन बनाकर, मतलब किसी में स्क्वायर बना हुआ है, किसी में ट्राइंगल टाइप का स्ट्रक्चर बना है, लेकिन सारे ग्रीटिंग कार्ड्स को दीवारों पर सजाया जाता था, मतलब किसी के भी घर आप जाओ तो लगता था कि अच्छा इसको बड़े सारे ग्रीटिंग कार्ड मिलते हैं। देन टू गेट अ ग्रीटिंग कार्ड इन स्कूल और कॉलेज यूज टू बी अ बिग थिंग, क्योंकि आपको पता चलता था कि कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का या लड़की कौन है, क्योंकि जिसको सब ढेर सारे कार्ड्स देते थे ना उसके बर्थडे पर या फिर किसी भी और ओकेजन पर, तो उससे हम पता लगाते थे कि दिस गर्ल इज रियली पॉपुलर और दिस गाय इज वेरी पॉपुलर। और ग्रीटिंग कार्ड की शॉप में जाना किसी कॉफ़ी शॉप जाने से कम नहीं होता था 90s में, क्योंकि वो भी एक ओकेजन होता था, ग्रीटिंग कार्ड्स की शॉप्स जो हैं लाइक दिस आर्चीज एंड हॉलमार्क यूज टू बी एट द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस, क्योंकि सारा यंग क्राउड वहाँ पर जाता था और वहाँ पर अपने लिए कार्ड सेलेक्ट करता था, धीरे धीरे गिफ्ट्स आने शुरू हुए, टेडी बेयर्स आने शुरू हुए, एंड देन दे ऑल्सो स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग सो मेनी ओकेजन्स, यू नो वैलेंटाइंस डे बिकेम ह्यूज और उसके कार्ड्स एक अलग से आते थे, मतलब स्पेशली एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता था, देन दे स्टार्टेड यू नो टाइंग अप विद बॉलीवुड मूवीज ऑल्सो एंड विद लॉट ऑफ यूथ फेस्टिवल्स ऑल्सो, जैसे हमारे कॉलेज में जब फेट होती थी तो एक आर्चीज के साथ टाई अप ज़रूर होता था, और ऐसे बहुत सारे ओकेजन्स हुआ करते थे 90s में जिसमें आपको समझ आता था कि ग्रीटिंग कार्ड्स वर अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो अगर मैं 90s के रियल लाइफ ग्रीटिंग कार्ड्स की बात करूँ, यानी कि जो हमने मूवीज में सीन्स देखे हैं, तो सबसे ज़्यादा ग्रीटिंग कार्ड से रिलेटेड जो फिल्म है ना वो है दिल जले। सो दिल जले अजय देवगन और सोनाली बेंद्रे की फिल्म है, जिसमें ना सोनाली बेंद्रे चुपके चुपके अजय देवगन को ग्रीटिंग कार्ड्स भेजती रहती है, वो जहाँ भी जाते हैं, कैंटीन में होते हैं कॉलेज में, या फिर यू नो लाइब्रेरी में होते हैं, इवन कॉलेज ट्रिप में, कॉलेज बस में होते हैं, उनको हर जगह वो ग्रीटिंग कार्ड्स भेजती है, बिकॉज शी इज़ इन लव विद हिम। एंड अजय देवगन जब वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन कर रहा है, तो वो सोनाली से ही हेल्प मांगते हैं टू यू नो फाइंड आउट दैट गर्ल हुज़ बिहाइंड ऑल दीज ग्रीटिंग कार्ड्स। तो सोनाली बेंद्रे जो हैं, एक दिन अजय देवगन सोनाली बेंद्रे को आर्चीज की यू नो शॉप में कार्ड्स खरीदते हुए देख लेते हैं, एंड देन ही गेट्स टू नो दैट इट्स नॉट एनीबडी एल्स बट सोनाली बेंद्रे हुज़ बीन डूइंग दिस। और वो सीन अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, कि जब वो अपने रूम में जाते हैं
अजय देवगन, और उनका रूम जो है ना ग्रीटिंग कार्ड से भरा होता है। और वो जो वॉल डेकोरेशंस की मैं बात कर रही थी कि 90s के हर मिडिल क्लास घर में ग्रीटिंग कार्ड से डेकोरेट किया हुआ होता था दीवारों को, वो सीन भी आपको उसी फिल्म में मिलेगा। सो फॉर लॉट ऑफ ग्रीटिंग कार्ड इमोशंस एंड स्टफ यू कैन वॉच दिल दिले। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसमें ना राम्या कृष्णन जो है जो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं, और रवीना टंडन जो कि गोविंदा से प्यार करती हैं, वो दोनों एक ही गिफ्ट शॉप में जाकर, अगेन आर चीज की गिफ्ट शॉप है, वहां पर जाकर ना ग्रीटिंग कार्ड्स खरीद रही होती हैं दोनों ही अपने लवर्स के लिए, जिनके नाम होते हैं प्यारे मोहन। यस, ये अलग बात है कि राम्या जिनको प्यारे मोहन समझ रही होती है वो प्यारे मोहन नहीं अमिताभ बच्चन होते हैं, और रवीना तो अपने प्यारे मोहन को सही ही समझ रही होती है, बट देन बिकॉज दे आर बाइंग दोज ग्रीटिंग कार्ड्स, एंड स्पेशली अगर आप रवीना टंडन के हाथ में देखेंगे ना इस सीन में, एक बहुत बड़ा ग्रीटिंग कार्ड है उनके हाथ में, एंड देन दैट कन्फ्यूजन हैपन्स, एंड देन फाइनली उनके बीच में सब क्लियर भी हो जाता है। लेकिन हाँ, उस ग्रीटिंग कार्ड शॉप में जो उनका मिलन है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीन है फिल्म का। सीमा, ये कार्ड प्यारे के लिए कैसा रहेगा? प्यारे नहीं, इंस्पेक्टर प्यारे मोहन कहो, अपने होने वाले जीजा जी का नाम इज्जत से लिया करो, ठीक है? एंड देन पॉप सॉन्ग्स भी कोई कम नहीं थे ग्रीटिंग कार्ड्स देने में। सो देयर वाज दिस सॉन्ग, जाने किसने, अगर आपको याद हो, शामक दावर का गाया हुआ। उस गाने में भी जो उन्हें एक लड़की है जो म्यूजिकल नोट्स भेजती है, तो वो ग्रीटिंग कार्ड्स के थ्रू उन्हें काफ़ी चीज़ें भेजती हैं। तो द फर्स्ट सीन वेयर शी गोज एंड सेंड्स हिम समथिंग, वो एक ग्रीटिंग कार्ड के फॉर्म में है। और आपको बता दूं कि 90s के पॉप सॉन्ग्स पे ना मैंने बहुत सारे वीडियोज इस चैनल पर बनाए हैं। सबसे पहले 90s इंडी पॉप, जिसमें मैंने यू नो व्हाट हैपेंड टू द पॉप म्यूजिक इन द 90s, व्हाई इट वाज द गोल्डन पीरियड फॉर द 90s, उसके बारे में बात की है। एंड देन 90s इंडी पॉप किंग्स, जिसमें मैंने 90s के मेल पॉप सिंगर्स को फीचर किया है, एंड 90s इंडी पॉप क्वींस, जिसमें मैंने फीमेल पॉप सिंगर्स को भी फीचर किया है। सो ऑल दीज वीडियोज यू विल फाइंड यू नो ऑन माई चैनल, एंड ऑल्सो लिंक्स विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। लास्ट सीन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है जुदाई मूवी में हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स का। और पता है, ये बहुत होता था 90s में कि बहुत लोगों को लगता था कि हम जो है गिफ्ट शॉप से जाके नहीं खरीदेंगे, फॉर अ लॉट ऑफ अदर रीजंस, नॉट जस्ट इमोशनल, लेकिन हाँ 90s में शायद इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाते थे लोग, तो बहुत सारे लोग खुद ही ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते थे, बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट करते थे। और जुदाई फिल्म में भी कुछ ऐसा ही है। जुदाई में फिल्म में यू नो जिस फर्म में अनिल कपूर काम करते हैं, तो उनकी जो सेक्रेटरी होती है, या आप कह सकते हैं उनकी जो कलीग हैं, वो उनके लिए एक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड बना रही होती हैं। एंड व्हेन उर्मिला मातोंडकर आस्क्स कि ये कार्ड किसके लिए बना रही हो, तो वो कहती हैं कि आज जो है अनिल कपूर का बर्थडे है। सो यस, 90s की मूवीज में भी जो ग्रीटिंग कार्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये कार्ड क्या बना रही हो? आज मिस्टर राज का बर्थडे है, उन्हें हर साल मुबारकबाद दिया करती हूँ। सो ये थे मेरे 90s के ग्रीटिंग कार्ड्स। आई होप आपको खोल कर देख कर पसंद आए होंगे। अगर आपको ये 90s का ग्रीटिंग कार्ड पसंद आया है ना, तो आपको क्या करना है, आपको इसे पिक करना है, मतलब इसको लाइक करना है, इसे शेयर करना है अपने 90s के जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ, एंड लगे हाथ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, खुशी की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन प्लीज कीप स्माइलिंग।